हेलो एंड वेलकम टू SOL रिपोर्टर, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर SOL स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी कुछ दिन पहले SOL के थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आया है और उसके बाद से बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है कि SOL जो CBCS का रिजल्ट है वो प्रिपेयर किस तरह से करता है, यानी कि हमें किस तरह से मार्क्स दिए जाते हैं, किस तरह से ग्रेड दिए जाते हैं। तो वो सारा प्रोसेस जो है इस वीडियो में के अंदर हम समझेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है, इसको खोला है, तो इसको एंड तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप बीच में बंद कर देंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे एंड में, तो उसका आंसर मैं कर दूंगा। अब CBCS का मतलब क्या है? CBCS का मतलब होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, यानी कि यहाँ पे हर सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए आपको कुछ क्रेडिट्स दिए जाते हैं। तो इस सिस्टम को हम देखिए समझते हैं। SOL की बात करें तो यहाँ पर टोटल 3 ईयर होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, और हर ईयर के अंदर 2 सेमेस्टर्स होते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर, इसी तरह से सेकेंड ईयर के अंदर थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, और थर्ड ईयर के अंदर फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर, ये 6 सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। और SOL के अंदर बात करें तो दो तरह के कोर्सेज पाए जाते हैं, एक तो प्रोग्राम कोर्सेज होते हैं और एक ऑनर्स कोर्सेज होते हैं। प्रोग्राम कोर्सेज के अंदर हर सेमेस्टर जो है 22 क्रेडिट का होता है, और ऑनर्स कोर्सेज की बात करें तो ऑनर्स कोर्सेज के अंदर जो फर्स्ट ईयर होता है वो 22 क्रेडिट का होता है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर 22 22 क्रेडिट का होता है। जो सेकेंड ईयर होता है उसको दोनों सेमेस्टर यानी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर 28 क्रेडिट के होते हैं, और जो थर्ड ईयर है वो 24 क्रेडिट का होता है। अब ये इस तरह से क्यों हो रहा है कि प्रोग्राम कोर्सेज में हर सेमेस्टर 22 क्रेडिट का और ऑनर्स कोर्सेज के अंदर फर्स्ट ईयर 22 क्रेडिट का, सेकेंड ईयर के दोनों सेमेस्टर 28 क्रेडिट के और थर्ड ईयर के दोनों सेमेस्टर 24 24 क्रेडिट के? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर SOL के अंदर बात करें तो आपके दो कोर्सेज जो होते हैं, AECC यानी कि एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्स और SEC यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स, ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं वो 4 4 क्रेडिट्स के होते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट, डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हो प्रोग्राम कोर्सेज के अंदर या कोर सब्जेक्ट्स हो या फिर आपका जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट है, उस बाकी सभी सब्जेक्ट्स जो हैं 6 क्रेडिट के होते हैं। तो इतनी बात आप समझ लीजिए कि AECC और SEC ये 4 4 क्रेडिट के होते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट्स जो हैं वो 6 क्रेडिट्स के होते हैं। तो अगर प्रोग्राम कोर्सेज की बात करें तो प्रोग्राम कोर्सेज में आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से 3 सब्जेक्ट जो आपके 6 क्रेडिट का होता है और एक सब्जेक्ट आपका 4 क्रेडिट का होता है। तो इसको आप ऐड करेंगे सो 6 3 18 प्लस 4 22, यानी प्रोग्राम कोर्सेज का हर सेमेस्टर 22 सब्जेक्ट्स का होता है। इसी तरह से अगर ऑनर्स कोर्सेज की बात करें तो फर्स्ट ईयर के दोनों सेमेस्टर जो हैं 22 क्रेडिट के होते हैं, जिसमें 3 सब्जेक्ट 6 क्रेडिट के और एक सब्जेक्ट 4 क्रेडिट का। इसी तरह से सेकेंड ईयर की बात करें तो इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं टोटल, और इसमें भी अगर बात करें तो आपके 4 सब्जेक्ट जो हैं 6 क्रेडिट के होते हैं और एक सब्जेक्ट आपका 4 क्रेडिट का होता है। इसी तरह से थर्ड ईयर है, इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं और चारों के चारों सब्जेक्ट ही 6 6 क्रेडिट के होते हैं, और इस तरह से आपके 24 क्रेडिट बनते हैं थर्ड ईयर के दोनों सेमेस्टर में। तो ये आपको बेसिक समझ में आ गया कि हर सब्जेक्ट के लिए आपको कुछ क्रेडिट्स मिलेंगे और उन क्रेडिट्स को क्लियर करके बाद आपको उसमें से पॉइंट्स जो हैं ग्रेड पॉइंट्स जो दिए जाएंगे। तो इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अब ऐसे स्टूडेंट जो किसी सब्जेक्ट में बैक लग जाते हैं, तो आपको पता ही, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आई है तो उसका एग्जाम आप थर्ड सेमेस्टर के साथ देंगे, थर्ड में बैक आई है तो फिफ्थ सेमेस्टर के साथ, इसी तरह से सेकंड में बैक आई है तो फोर्थ सेमेस्टर के साथ देंगे, और फोर्थ में बैक आई है तो सिक्स सेमेस्टर के साथ उसके एग्जाम देंगे। तो ये ब्रॉडली ब्रॉडली पॉइंट्स हैं। अब बात कर लेते हैं कि कितने मार्क्स लाने पर आपको कितने ग्रेड पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो देखिए, आपका एग्जाम चाहे कितने भी मार्क्स का हुआ, उसको पहले 100 में स्केल अप किया जाता है, और 100 में से जो मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से आपको ग्रेड्स या ग्रेड्स लेटर ग्रेड्स या फिर ग्रेड पॉइंट दिए जाते हैं। तो देखिए, अगर आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है, मान लीजिए आपको 75 नंबर का पेपर था या मान लीजिए 70 नंबर का पेपर था, तो उसमें अगर आपके 90% से 100% के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको ग्रेड मिलता है O, और ग्रेड पॉइंट जो होते हैं वो आपके 10 होते हैं। इसी तरह से 80 और 90 के बीच में रहते हैं तो A+ और ग्रेड पॉइंट्स आपका 9, बाकी सब यहाँ पर दिए हुए हैं। अब पास किस में होते हैं, तो आपके 36 से और 40 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको ग्रेड डी मिलता है, इसका मतलब होता है पास और ग्रेड पॉइंट होते हैं इसमें 4। इसके नीचे यानी 36% से कम अगर किसी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स आते हैं तो आपको सीधा फेल कर दिया जाता है और उसमें ग्रेड पॉइंट आपके लिखा हुआ 0। यानी कि 36 से कम मार्क्स अगर आपके आते हैं 100 में से तो आपको डायरेक्टली फेल कर दिया जाता है, उस सब्जेक्ट में आपको पास नहीं किया जाता। उसके ऊपर आपके पास कोई भी ग्रेड है तो आप पास हैं, अगर आप फेल हैं तो आपके पास एफ ग्रेड होगा और ग्रेड पॉइंट वहां पर लिखा होगा 0। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आप एबसेंट है तो उसके आगे भी आपका ग्रेड पॉइंट 0 लिखा होगा। अब हम बात करते हैं रिजल्ट में ये सब चीज़ें किस तरह से मेंशन होती है। तो देखिए, ये थर्ड सेमेस्टर के बीकॉम का रिजल्ट है, तो इसमें देख सकते हैं आप सारे सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं
और उसके सामने वहाँ पे क्रेडिट्स लिखे हुए हैं कि किस सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए कितने क्रेडिट्स मिलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे AECC के लिए 4 क्रेडिट दिया हुआ है और SEC सब्जेक्ट के लिए भी 4 क्रेडिट दिया हुआ है, बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए 6 6 क्रेडिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हर सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए आपको क्रेडिट्स दिए जाते हैं। अब हर सब्जेक्ट में आपके कुछ मार्क्स आएंगे, उन मार्क्स को बोलते हैं ग्रेड पॉइंट या फिर नेट ग्रेड, दोनों का मतलब सेम ही है। 10 में से ये दिए जाते हैं। आप देख सकते हैं फाइनेंस अकाउंटिंग में इस स्टूडेंट के 10 में से 10 ग्रेड पॉइंट्स मिले हैं, इसी तरह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इनको मिले 9 पॉइंट्स, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में अलग अलग ग्रेड पॉइंट्स इनको मिले हुए हैं, और यहाँ पे लेटर ग्रेड जो है वो भी मेंशन किए हुए हैं। अब मान लीजिए ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है वो 6 क्रेडिट का है और टोटल यहाँ पे ग्रेड पॉइंट्स मिल सकते हैं 10, तो ये टोटल जो सब्जेक्ट है ये क्रेडिट पॉइंट के हिसाब से 60 क्रेडिट पॉइंट्स का हो गया और इस स्टूडेंट को पूरे 60 क्रेडिट पॉइंट इसमें से मिले हैं। इसी तरह से अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो ये 4 क्रेडिट पॉइंट का सब्जेक्ट है और मैक्सिमम मिल सकते हैं इसमें 10, तो इसमें भी ये 60 क्रेडिट पॉइंट का सब्जेक्ट है। अब क्योंकि इन्होंने 9 स्कोर किया है इसलिए इनको मिलेगा 54 क्रेडिट पॉइंट्स। इसी तरह से एनवायरमेंटल साइंस जो है ये AECC का सब्जेक्ट है, तो ये टोटल 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है और इसमें टोटल जो ग्रेड पॉइंट्स वो स्कोर किए जा सकते हैं 10, यानी 40 क्रेडिट पॉइंट का ये सब्जेक्ट है। इनको 6 मिले हैं तो इनका हो गया 6 4 24 क्रेडिट पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना क्योंकि ये BCom जो है प्रोग्राम कोर्स है, इसमें सारे ईयर जो सारे सेमेस्टर जो है 22 22 क्रेडिट पॉइंट के होंगे, 3 सब्जेक्ट 6 क्रेडिट के और 1 सब्जेक्ट 4 क्रेडिट का। अगर ये ऑनर्स कोर्सेज होता तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, फर्स्ट ईयर के दोनों सेमेस्टर आपके 22 क्रेडिट के होते, सेकेंड ईयर के दोनों सेमेस्टर 28 क्रेडिट के और थर्ड ईयर के दोनों सेमेस्टर 24 क्रेडिट के आपके होंगे, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब आपके टोटल क्रेडिट पॉइंट्स कैसे होंगे, तो फर्स्ट सेमेस्टर के जो चारों सब्जेक्ट्स हैं उनके क्रेडिट पॉइंट्स आप ऐड कर लें, वो आपके हो गए टोटल क्रेडिट पॉइंट। तो इस स्टूडेंट के फर्स्ट सेमेस्टर में 174 क्रेडिट पॉइंट्स हैं। अब 174 को जितने भी आपके टोटल क्रेडिट्स हैं, तो 22 क्रेडिट है तो 22 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका SGPA। SGPA क्या होता है, आपके सेमेस्टर के ग्रेड पॉइंट्स आपके हैं SGPA, यानी पूरे सेमेस्टर में आपके इतने मार्क्स आए हैं। ठीक है, इसी तरह से सेकंड सेमेस्टर के लिए सेकंड सेमेस्टर के जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उन चारों को ऐड करेंगे और उसको 22 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगी सेकंड सेमेस्टर की SGPA। ठीक है, इसी तरह से थर्ड सेमेस्टर की जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उन चारों के क्रेडिट पॉइंट्स ऐड करेंगे और 22 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका थर्ड सेमेस्टर का SGPA। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम परसेंटेज किस तरह से कैलकुलेट करेंगे अपने, तो परसेंटेज कैलकुलेट जो है SOL के अंदर जो परसेंटेज का कैलकुलेशन है वो किया जाता है ईयर के बेस पे, यानी कि एक ईयर कंप्लीट होने के बाद ही आप अपनी परसेंटेज निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकालते हैं, आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के बाद सेकंड सेमेस्टर का अगर लिखा हुआ है पास और वहाँ पे लिखा हुआ है CGPA, तो ये CGPA जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर को कंबाइंड करके यहाँ पे लिखी गई होती है, यानी ये जो CGPA है इसको आप 9.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपका आएगा वो होगा आपका परसेंटेज फर्स्ट ईयर का। अब कोई स्टूडेंट कहे कि अगर हम चाहें कि एक बार निकालना चाहें कि सेमेस्टर में हमारे कितने परसेंट हैं तो हम निकाल सकते हैं, तो आप निकाल सकते हैं। ऑफिशियली जो है ईयर वाइज परसेंटेज निकाली जाती है, लेकिन अगर सेमेस्टर का निकालना चाहेंगे तो आपका जो SGPA है इसको आप 9.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका सेमेस्टर का आ जाएगा। लेकिन ऑफिशियली बात करें, अगर आपसे कोई पूछे कि थर्ड सेमेस्टर में कितनी परसेंट आई है, तो उसको आप ये जवाब दें कि SOL के अंदर परसेंटेज जो है वो सेमेस्टर वाइज नहीं आती, ईयर वाइज आती है। वो आपकी जो फर्स्ट ईयर की परसेंटेज वो यहाँ पे लिखी हुई है, और जब फोर्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के रिजल्ट आ जाएंगे तो वहाँ पे आपके सेकेंड ईयर की परसेंटेज जो है वो आप CGPA को 9.5 से मल्टीप्लाई करके निकाल पाएंगे। तो ये पूरा सिस्टम है किस तरह से SOL के अंदर ग्रेड दिए जाते हैं, कितने मार्क्स पे ग्रेड, कौन सा ग्रेड मिलता है, किस तरह से आपको क्रेडिट सिस्टम जो है वो किस तरह से काम करता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने क्लियर करने की कोशिश करी। फिर भी आपका कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली उसको लिखें, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। फॉर द टाइम बिंग अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, और जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं CBSE सिस्टम के तहत उनके साथ वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने SOL के ग्रुप्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।